एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं छाया ठक्कर कुवैत से हूँ और मैं एक कुलिनरी आर्टिस्ट हूँ, रेसिपी राइटर हूँ, फ्रीलांसर हूँ और मेरे खुद के एक कुकिंग क्लास भी मैं रन करती हूँ और क्लाउड किचन भी रन करती हूँ। सो आप सब रेडी है आज की रेसिपी, जो हम यूनिक एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जो कि हम बना रहे हैं मिलेट्स से। एवरीबडी ज्वाइन मी, मे आई विजिबल, मे आई ऑडिबल, कैन यू प्रोसीड, गिव मी थम, ओके। देन आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो मिलेट्स के रिलेटेड है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने एक जो 2023 ईयर है उसको बहुत इंटरनेशनल मिलेट ईयर्स डिक्लेयर किया है और मिलेट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स फायदे होते हैं। वैसे तो मैंने अमूल पे बहुत सारे लाइव्स किए हैं और अमूल ने जो लॉकडाउन के दरमियान जो एक प्लेटफॉर्म होम शेफ्स को और होम बेकर्स को सबको जो प्रोवाइड किया है वो बहुत ही तारीफ काबिल है और मैं अमूल का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने आज मुझे फिर से ये मौका दिया है मेरी रेसिपी, मेरी कुलिनरी आर्ट स्किल दिखाने का। तो सबसे पहले तो हम जो मिलेट की जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है एक सुशी, जो एक जापानीज डिश है उसको हम मिलेट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मिलेट्स बहुत सारे, अगर आपको पता है कि उसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे डेली फूड में, तो आप इजीली कर सकते हो। तो एक सुशी बनाएंगे और एक कुल्हड़ चाट बनाएंगे। जैसे कि गर्मियों की सीजन स्टार्ट हो रही है तो चाट सबकी फेवरेट है, तो स्टार्ट करें हम अपनी रेसिपी। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी कुल्हड़ चाट, सॉरी सुशी। तो सुशी के लिए हमें जो यहाँ इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये प्रोसो मिलेट्स लिए हैं, प्रोसो मिलेट्स। प्रोसो मिलेट को मैंने कुक करके रखा है बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम पूरा रेसिपी कवर कर सके। तो सर हमने यहाँ पे प्रोसो मिलेट को कुक करके लिया है। अराउंड मैंने 1/4 कप प्रोसो मिलेट लिया था, उसको आप अच्छे से वॉश कर लीजिए और 10-15 मिनट के लिए सोक कर लीजिए। अगर सोक करते हैं तो उसमें मिलेट्स में जो फैटिक एसिड होता है वो डाइजेशन में और वगैरह में इजी हो जाता है, फैटिक एसिड का मात्रा डाउन हो जाती है, तो सोक करके रखते हैं और कुकिंग में भी इजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप प्रोसो मिलेट लिया था और इसके साथ 3 गुना पानी, मतलब कि अराउंड 1 कप जितना मैंने पानी लिया था और उसको कुक कर लिया है, उसमें कुछ भी मैंने फ्लेवरिंग नहीं डाला है। तो हम यहाँ पे हमारा पैन ऑन कर लेते हैं, गैस ऑन कर लेते हैं और जैसे ही हमारा पैन गर्म होता है हम इसमें 1 टेबलस्पून अराउंड घी डालेंगे। अमूल का घी यहाँ पे मैंने यूज किया है। इसके साथ हम डालेंगे हमारे ये प्रोसो मिलेट जो हमने कुक करके लिए है। सुशी एक जापानीज आइटम है और सुशी को 3 तरीके से बनाया जाता है। यूजुअली ऑथेंटिकली जो बनता है वो जापानीज राइस यूज करके बनाया जाता है और उसमें थोड़ा फ्लेवरिंग सीजनिंग करते हैं, जैसे कि शुगर, विनेगर, सॉल्ट डाल के उसको थोड़ा सा स्टिकी राइस होता है, वो छोटा स्टिकी राइस होता है। यहाँ पे मैंने राइस की जगह पे मिलेट का यूज किया है और आज हम जो रेसिपी सुशी बनाने जा रहे हैं वो हम एक डेजर्ट फॉर्म में, मतलब स्वीट के फॉर्म में बनाने जा रहे हैं। तो ये सेवरी आइटम नहीं, और जैसे ही हमारा
थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, गरम होता है, हम इसमें जेगरी डालेंगे। यहाँ पे मैंने जेगरी लिया है, आप इसकी जगह पे शुगर भी ले सकते हैं, शुगर, ब्राउन शुगर, जो भी आप चाहें। इसको स्लो फ्लेम पे हम अभी कुक करेंगे। पूरा जो जिगरी का जो मॉइस्चर होता है वो हमें डिसॉल्व करना है। तो मिलेट सारे, कोई भी मिलेट मतलब टोटली ग्लूटेन फ्री है, तो आप डाइट के लिए जो डाइट करते हैं उसके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। और इसमें बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर वगैरह की मात्रा बहुत। वेरी नाइस, आई एस्क द नेम ऑफ आइटम्स कमेंट। दिस इज अ मिलेट सुशी। यहाँ पे मैंने या फ्रेंड, आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके क्वेरी का आंसर देने की कोशिश करूंगी। जैसे ये हमारा कुक होता है, यहाँ हमारा जेकरी देखो मेल्ट होने लगा है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जेगरी, शुगर कुछ भी आप ऐड कर सकते हो स्वीटनेस के लिए। अगर आपको थोड़ा डायबिटीज वगैरह पे स्टीविया वगैरह यूज करना है तो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी ये स्टेज पे देखिए, ये कंसिस्टेंसी देखिए, और इस स्टेज पे मैं यहाँ पे मेरे पास सेफ्रॉन वाटर है, वो मैं सेफ्रॉन वाटर डाल रही हूँ। क्या बना रही है? मैं सुशी बना रही हूँ, मिलेट्स का सुशी बना रही हूँ मैं। यहाँ पे आप कोई एडिबल फूड कलर भी यूज कर सकते हो। मैंने टोटली स्किप किया है फूड कलर, लेकिन आप चाहो तो डाल सकते हो। कोई भी कलर आप ले सकते हो आपके मनपसंद। यहाँ थोड़ा और मुझे पूरा में डाल देती हूँ तो थोड़ा फ्लेवर भी आएगा और कलर भी आएगा। हमें पूरा इसको पैन, जैसे पैन छोटा है वैसा एक कंसिस्टेंसी चाहिए, तो हम इसको स्लो गैस पे कुक करते जाएंगे। थोड़ा सा फ्लेम हम और तेज कर देंगे। मिलेट्स एक अपने हेल्थ के लिए एक पावर हाउस का काम करता है। आजकल मिलेट्स बहुत पॉपुलर हो चुके हैं और हमारे फार्मर्स वगैरह को भी इसका प्रोडक्शन में थोड़ा हेल्प मिल जाए, थोड़ा और हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। इसलिए इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने एक जो मिलेट्स का कैंपेन स्टार्ट किया है, तो माय गवर्नमेंट इंडिया के पेज पे आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन वगैरह भी प्लान किए गए हैं। सो आज सब अवेयर हो चुके हैं कि मिलेट्स हेल्थ के लिए कितने बेनिफिशियल है, और मिलेट्स को किसी भी फॉर्म में टर्न करना आपको एक बस पता होना चाहिए कि किस तरह से आप उसको टर्न कर सकते हो। तो आज मैं एक यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए अभी ये पूरा कंसिस्टेंसी हमें जैसा चाहिए वैसा हमें मिल गया है। अभी मैं इसमें थोड़ा कार्डेमन पाउडर ऐड करती हूँ फ्लेवरिंग के लिए। ये हमारा मिक्सर रेडी हो चुका है सुशी का, जो हम राइस का बेस बनाते हैं ना वैसा हमारा ये बेस रेडी हो चुका है। अब हमें इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है, थोड़ा हम उसको रेस्ट देंगे। तो हम यहाँ एक फ्लेम से साइड पर कर लेते हैं, और अब
हम यहाँ पे आते हैं हमारी जो दूसरी रेसिपी है कुल्लड़ चाट। कुल्लड़ चाट एक नागपुर की बहुत ही फेमस रेसिपी है और उसका एक स्लोगन है, पता है आपको, कि नागपुर गए और कुल्लड़ चाट नहीं खाया तो क्या किया। तो आज हम उसी कुल्लड़ चाट को हम मिलेट्स यूज करके बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे, जैसे पैन हमारा गर्म होता है, यहाँ पे हमें ऑयल और घी लेना है। मैं यहाँ पे घी का ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि ऑथेंटिकली इसमें देसी घी ही जाता है। तो मैं यहाँ पे घी लेती हूँ अराउंड टू टेबल स्पून। जैसे ही हमारा ऑयल गरम होता है हम इसमें फाइनली चॉप ऑनियन डाल देंगे अराउंड 1/4 टेबल स्पून। इसके साथ हम थोड़ा धनिया भी डालेंगे और इसको अच्छे से सौते करेंगे। कुल्लड़ चाय टेस्ट में बहुत ही अच्छी है और ये गर्मियों की सीजन में तो बहुत ही पसंद करते हैं सब लोग। और चाट, चाट का फॉर्म कोई भी हो, किसको पसंद नहीं आता, बराबर ना? समझ में आ रही है ना रेसिपी आपको? अगर कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आपको स्पाइसी खाना है तो आप ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं फाइनली चॉप करके, मैंने यहाँ पे स्किप किया है। जैसे हमारा ये ऑनियन सौते होता है हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, जैसे कि हमारे पास टोमेटो है तो ये टोमेटो हम 2 टेबल स्पून अराउंड टोमेटो डालेंगे। थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। के साथ हमें, जैसे हमारा ये हो जाता है, इसके साथ हमें उसमें थोड़ा सा सीजनिंग कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे हल्दी पाउडर है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये मैंने कश्मीरी रेड चिली लिया है तो मैं 1 टेबल स्पून अराउंड लेती हूँ क्योंकि हमने ग्रीन चिली नहीं डाला है। और यहाँ पे मेरे पास कसूरी मेथी है, जो कसूरी मेथी को मैं थोड़ा क्रश करके इसमें डालती हूँ। साथ में इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है पीनट। पीनट इसमें मस्ट नेसेसरी है, 2 टेबल स्पून जितना पीनट। इसको अच्छे से सौते करना है। फिर इसमें हम डालेंगे, हमारे पास यहाँ पे स्वीट चटनी है जो टर्मरिन की है, टर्मरिन की वो चटनी हम डालेंगे। इसके साथ हम डालेंगे ग्रीन चटनी 1 टेबल टीस्पून अराउंड। और अब इसमें हम हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स जो आज हमने चैट के लिए लिया है वो जुवार मिलेट्स है। जुवार मिलेट्स को मैंने सोक करके 3-4 मिसल करके थोड़ा सा सॉल्ट और टर्मरिक हल्दी पाउडर डाल के मैंने बॉईल करके रखा है। ये मिलेट हम जुवार को ऐड करेंगे, 1 कप अराउंड हम जुवार लेंगे। साथ में हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसमें ऑथेंटिकली जो जाता है वो येलो पीस जो आते हैं, ड्राई येलो पीस, वो पीस को गरम बॉइल करके उसका स्मैश करके उसको डाला जाता है। आज मैंने पीस की जगह पे मैंने जुवार लिया है।
इसमें हम थोड़ा सा एज पर टेस्ट हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। हमारे जुवार जो हमने बॉईल किए थे उसमें भी हमने सॉल्ट डाला है, तो हम यहाँ पे सॉल्ट ज्यादा नहीं ले रहे हैं। अब हम इसको थोड़ा सा बॉईल होने देंगे, ऐसा हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। जो हमारा कुल्हड़ चाट है उसके लिए हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। अभी हम इसको एक बॉईल आने देंगे। जब तक इसमें बॉईल आता है तब तक हम हमारे सुशी पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सुशी जो मिक्सर रेडी है, इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर देंगे। जैसे कि चाट है तो हमें चाट मसाला इसमें जाता है। फिर इसमें हम थोड़ा सा आमचूर पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून अराउंड, और इसको हम एक बॉईल आने देंगे। जब तक ये कुक होता है तब तक हमारा सुशी का असेंबलिंग कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये सुशी शीट है। सुशी शीट ऐसे जैसे लकड़ी का आता है वो सुशी शीट है, और इसके ऊपर हम ऑथेंटिकली मतलब जब सुशी बनाते हैं राइस का तो नूडल शीट यूज किया जाता है। आज हम डेजर्ट के फॉर्म में मतलब स्वीट के फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बटर पेपर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमने ये रख दिया। अभी हमारा ये जो मिक्सर है सुशी का, वो हमें शीट पे अच्छे से स्प्रेड कर देना है। है ना ये यूनिक रेसिपी। और आप इसके लड्डू भी बना सकते हो। सुशी नहीं बनानी है तो ये देखो, ये जो ग्रेन है वो आपको मोतीचूर लड्डू जो हमारे होते हैं वो मोतीचूर लड्डू के जैसे ये फल दिखते हैं, तो आप इसको मोतीचूर लड्डू के जैसे भी बना सकते हो। अभी ये हमारा स्प्रेड हो गया है। अब हम इसमें हमारे ये जो फ्रूट्स है वो फ्रूट्स रखेंगे। यहाँ पे मैंने वाटरमेलन, कीवी और पियर्स लिया है, तो हम यहाँ पे रखेंगे। है ना ये इजी, बहुत ही इजी और टेम्पटिंग रेसिपी। सो प्लीज आप सब लोग भी ट्राई करना, और आपके कमेंट्स भी मुझे टैग करके, आपके कमेंट्स वगैरह भी अमूल पेज पे, और मेरा खुद मेरा अपना पेज है छायास डिवाइन डिलाइट, उसी पे आप मुझे टैग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने हमारे फ्रूट्स अरेंज कर दिए हैं। देखिए अब हमें इसको फोल्ड करना है। तो जैसे हम धीरे से हमारे सुशी शीट को भी पकड़ के हम धीरे से इसको फोल्ड करेंगे। लाइक दिस, ओके। और धीरे से हमें इसको फोल्ड करना है, रोल करना है। ज्यादा प्रेस नहीं करना है हमें हमारे प्रोडक्ट को। सी, इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया, ओके। okay?
हल्का सा इस पर थोड़ा हल्का सा प्रेस कर लीजिए। अब हमें हमारे ये सुशी रोल को थोड़ी देर फ्रीज में सेट करने के लिए रखना है, तो मैं ये फ्रीज में रख देती हूँ। ओके, ये फ्रीज में रख के आती हूँ। यहाँ पर ये हमारा कुल्लर चाट भी रेडी हो चुका है, जो हमने जुवार यूज करके बनाया था। तो अब हम इसको जुवार को भी हम असेंबल कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें हम आलू भी डालेंगे। वन फोर्थ कप अराउंड मैंने आलू लिए है, इसको भी थोड़ा कुक कर लेते हैं। जैसे हमने अभी अभी इसमें आलू ऑयल ऐड किए हैं, तो उसको थोड़ा कुक होने देते हैं, उसके बाद हम इसको प्लेटिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी ये रेसिपी? है ना टेम्पटिंग चाट, मतलब डिलीशियस टेम्पटिंग यमिलियस आइटम, राइट? सो प्लीज डू ट्राई। ये हमारा यहाँ पे चाट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने, मेरे पास कुल्लड़ बाउल है, उसमें हम ये हमारा कुल्लड़ चाट रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये कर्ड है, कर्ड के अंदर मैंने थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर और सॉल्ट मिक्स किया है। इसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं। अभी हम इसके ऊपर दही पाउडर करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा चटनी भी रखते हैं। और यहाँ पे मेरे पास पोमग्रेनेट है, मैं यहाँ पे पोमग्रेनेट, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा फाइनली चॉप ऑनियन, और यहाँ पे मेरे पास बारीक सेव है, सेव को हम थोड़ा स्प्रिंकल कर लेते हैं। और इसके साथ हम थोड़ा सा धनिया और दो तीन पीनट। सो हमने बेसिकली पीनट, पोमग्रेनेट, सेव, बारीक सेव, बेसन की सेव और धनिया वगैरह से हमने गार्निश किया है। इसके साथ हम थोड़ा सा चिली पाउडर भी स्प्रिंकल कर लेते हैं। आप चाहो तो थोड़ा टोमेटो भी ले सकते हो। गार्निशिंग में आप कुछ, मतलब जो भी सारी आइटम यूज कर सकते हो।
यहाँ पे मेरे पास ये रागी के क्रिस्प है, ये जो रागी की मैंने रोटी बनाई है और उसको रोस्ट कर लिया है, इसको फ्राई भी नहीं किया है मैंने। तो हम इसको जैसे इंडिया में हमारे नागपुर में वगैरह जगह पे आपको साइड पे एक पूरी रख के सर्व करते हैं पापड़ी, लेकिन यहाँ पे मैंने पापड़ी की जगह पे ये रागी की पापड़ी ली है, क्रिस्प लिए है। सो हमारा ये चाट रेडी हो गया है। सो दिस इज रेडी टू ईट। ये आप हमारा कुल्लड़ चाट जो हमने जुवार से बनाया है ये रेडी हो गया है। अब हम हमारी सुशी पे चलते हैं, जो हमने फ्रिज में सेट करने के लिए रखा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए मैंने बना के रखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सुशी मैंने बना के फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था उसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हमारा ये सुशी रेडी होता है। अब हम इसको कट कर लेते हैं, ये सब मैं साइड कर लेती हूँ क्योंकि अभी इसका सामान समाप्त हो चुका है। अभी ये सुशी को मैं कटिंग बोर्ड पे ले लेती हूँ, इसको हम धीरे हल्के हाथों से कट करेंगे। यहाँ पे हमें ऐसा शार्प नाइफ लेना है कटिंग के लिए। मुझे यही कंफर्टेबल लगता है। इसको एवरी टाइम आपको क्लीन करना है नाइफ को, क्योंकि उसका अच्छे से वो कट के कट हो पाएगा। सी फ्रेंड्स, ये हमारा सुशी रेडी हो गया है। हम इसको प्लेट में रख देते हैं।
सो ये हमारा सुशी। इस पे हम थोड़ा सा पिस्ता वगैरह स्प्रिंकल कर लेते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर, क्योंकि ये हमारा डेजर्ट है तो ये हमें अच्छा टेस्ट देगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी दो रेसिपी रेडी हो चुकी है, जो कि है मिलेट से बनाया हुआ कुल्लड़ चाट, नागपुर का फेमस कुल्लड़ चाट, और ए सुशी जो हमने मिलेट से बनाया है, और यहाँ पे मैंने प्रोसो मिलेट यूज़ किया है। आप कोई भी मिलेट्स यूज़ करके जैसे मैंने बनाया उस तरह से आप बना सकते हो। तो होप आप सबको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू। Thank you very much, Amol, for giving me this opportunity again, and looking forward to. Thank you. Bye. Happy cooking. Happy. Stay happy. Happy cooking. Option नहीं होता. Option. Seven. Seven. Finish the job. Huh.